पहले रुख करते हैं जहां पर सीहोर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि आप कुछ नाम लेते हैं तो बाकी तो थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, हम लोग दबाव नहीं आपने लिए तो सब बराबर तो सभी वरिष्ठ नेता है केवल ऊपर वाले भी नीचे वाले मेरे बहना भाई। विकास का एक नया महायज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ है। अब डेढ़ साल कह रहे मुख्यमंत्री फिर से बना है, बीच में सवा साल का बनवास था, हम तो सोच रहे थे 5 साल का होगा। एक पता नहीं आपने कौन सी प्रार्थना करी कि सवा साल में मामला हो गया है। और लौटाने के मैं तो महत्वपूर्ण जो आना लग गया है वो उनसे हम ब्राह्मण और डॉक्टर गुरुराम चौधरी तो कार्य थे और दो ही मंत्री थे ऐसे ही थे गोटा को नजरे। सड़क बना दो तो पैसे ही नहीं है, ये कहते पानी ला दो तो पैसे ही नहीं है, ये कहते स्कूल बनवा दो तो कहते पैसे ही नहीं है। जब भी ये टाइम थे चलो 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 मेरे पास टाइम ही नहीं, विकास के सारे काम में दफ्तर के बैठा दिया। फिर जब कहने से हाथ रखते देखो सवा साल देखी कांग्रेस की सरकार एक कंकर लगा था विकास के नाम पे, कहीं मैं पूछ रहा हूं पूरी जनता से लगा था क्या? अरे जोर से बोलो लगा था क्या? एक कंकर नहीं मेरे विकास के सारे काम ठप बंद। मैं भी एक दिन पहुंच गया और कहते हैं ये पुराने स्वीकृत है मेरे को नहीं मिली। जब इंदर बार बार कहा चलो चलो एक दिन ने कहा चलो चलो हम तो मामा के पास चले। सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरी टीम आ गई, कांग्रेस की सरकार ले गई, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आप सोच रहे हो कोरोना होता और मैं नहीं होता तो क्या होता? जरा दिल से सोच लो, एक घर ऐसा नहीं था इस क्षेत्र ना मैं काट के या ये टीम बैठी है राजेश श्रीवास्तव वगैरह कहा है राजेश ये पूरी टीम बैठा करती थी। अनुभव हर एक भी फोन करके खबर देना, भर्ती करवाना, पैसे का इंतजाम करना, इलाज की व्यवस्था करना। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो मेरे खिलाफ कांग्रेस का लड़ा था जिसको कई लोगों ने वोट भी दिए कभी आया कर तो कुछ बता दो। अरे गौर सो बता दो कभी कोई ठोस खबर नहीं, कभी कोई को पूछा एक एक घर के परिवार की सहजनता करने का काम करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि मेरे लिए जनता नहीं है, मेरा परिवार है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटा, मेरी बेटियां। राजीव बेटी ने दोबारा नाम किया कावेरी, इधर बुलाओ कावेरी को, इधर ये कावेरी मंडी से है ना, ये कावेरी मंडी से है। और ये इतने मैंने जीत के आई है देखो अपने खेत की बेटी नर्मदा महिला की बेटी प्रतियोगिता में इतने मैडल जीत के लाई है हिंदुस्तान में ताली बजा के इसका स्वागत करो अभिनंदन करो। कावेरी को 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, इसको सम्मानित किया जाएगा। मध्यप्रदेश के बच्चों का भी मान बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे बेटा बेटियों कलेक्टर का आशीर्वाद अगला कार्यक्रम होगा तो बच्चों का कार्यक्रम होगा 10वीं के 11वीं के कॉलेज के क्यों होगा भविष्य में जो बना रहा है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में जो बेटा बेटी मेहनत से पढ़ेगा खेलेगा नाम रोशन करेगा उसकी पूरी व्यवस्था खिलाड़ी की भी और पढ़ाई वाले की भी मामा करेगा, चाहे कुछ हो जाए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा पढ़ने।
उसके अंदर